हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे वेजी बर्गर, जिसकी वेजी पैटी हम परफेक्ट क्रिस्पी बनाएंगे जैसे बाजार में मिलती है। तो आइए अब हम वेजी बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजी पैटी के लिए मसाला बना लेंगे। तो एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन को बारीक कट करके डालेंगे और 1 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डालेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों को। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हम 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हम बाकी की सब्जियां डाल देंगे। सारी सब्जियां हम बारीक कट करके डालेंगे। 1 मीडियम साइज का गाजर, 1/4 कप बीन्स और 1/4 कप मटर डालेंगे। मटर यहाँ पर मैंने फ्रोज़न लिए हैं, अगर आप ताजे ले रहे हो तो आप बॉईल करके ले लेना। सब्जियाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक, इसमें हमको आलू भी डालना है तो उस हिसाब से हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लेंगे। सारे मसाले सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों हमको बहुत नहीं पकानी है, क्रंची रखनी है, हल्का सा ही पकाएंगे सब्जियों को और उसके साथ हमारे मसाले भी पक जाएंगे। तो ये हमारी सब्जियाँ हल्के क्रंची रख के हमने पका ली है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश करके ले लेंगे। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार हम अच्छे से इस तरीके से इसको चला लेंगे तो कोई बड़े टुकड़े अगर रह गए हो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा वेजी पैटी का मसाला बनके रेडी है। इसमें हम 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजी पैटी का जो ये हमने मसाला बनाया है उसको हम पूरा ठंडा होने देंगे, फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी पैटी बनाएंगे। तो इस तरीके से ठंडा होने के बाद हम पैटी बनाते हैं तो पैटी हमारी एकदम क्रिस्पी बनती है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमने मसाले को एक बाउल में निकाल लिया है, इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है हम स्लरी बना लेंगे। तो एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 1/2 कप मैदा डाल देंगे और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम एकदम फाइन स्लरी बना लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। इसको हम लगातार चलाते हुए इस तरीके से स्लरी बना लेंगे। स्लरी ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली ऐसी बनानी है, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमने स्लरी बना ली है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और इसमें हमने 1 ग्लास पानी का यूज़ किया है। हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो स्लरी हमारी रेडी है, इसको साइड में रख देते हैं और हम पैटी पे जो कोटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर लिया है कोटिंग करने के लिए। इस तरीके से जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उसका मिक्सर जार में डाल के उसका इस तरीके से पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो। अब हम मसाला चेक कर लेंगे ठंडा हुआ है कि नहीं। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है अच्छे से। इसमें हम 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स से बाइंडिंग अच्छी आती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बर्गर बन के हिसाब से इसके पैटी बनाएंगे। तो मैंने कट करके बर्गर बन ले लिया है, उस हिसाब से मैं पैटी बना रही हूँ। मेरे पास जंबो साइज़ का बर्गर बन है, बड़ी साइज़ का है तो मैं बड़ी पैटी बनाऊँगी। अगर आपके पास छोटा बर्गर बन है तो आप छोटी पैटी बनाइएगा। तो ये हमारी एक वेजी पैटी रेडी हो गई है। अच्छे से चारों ओर दबा लेंगे, इस तरीके से बना लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरी पैटी भी बना लेंगे। तो ये हमने दूसरी वेजी पैटी भी बना ली है। टोटल हमने 2 अभी वेजी पैटी बनाई है। अभी हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और कॉर्नफ्लेक्स का जो पाउडर बनाया है उसका हम कोटिंग कर लेंगे। तो ये तो हमने दोनों रेडी करके ही रखा है।
एक बार हम स्लरी को अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर वेजी पैटी डिप करेंगे अच्छे से। तो इसको हम एक हाथ से उठाएंगे और इसको हम कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर में डाल देंगे और कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर में दूसरे हाथ से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरे हाथ से कोटिंग करने से ये अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी एक पैटी अच्छे से कोटिंग हो गई है। इसी तरीके से हमारी दूसरी पैटी भी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले उसको भी हम डीप कर लेंगे इसमें स्लरी में। तो सेम उसी स्टेप में हम इसको एक हाथ से उठाएंगे, दूसरे हाथ से कोटिंग कर लेंगे। ये स्टेप हमको दो बार करना है। डबल बार हम कोटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी पैटी बनेगी। तो ये हम दूसरी बार कर रहे हैं सेम प्रोसेस। तो दूसरी बार भी हमने अच्छे से कोटिंग कर लिया, दूसरी पैटी भी इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों पैटी अच्छे से कोटिंग कर ली है हमने। आप चाहे तो इसको फ्रोजन करके भी रख सकते हो इस तरीके से, लेकिन हम ताज़ा बना रहे तो अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। पैटी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन कलर की हो जाए, तब तक हमको इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से इसको हम पलट के चारों ओर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी एक पैटी रेडी हो गई है, परफेक्ट क्रिस्पी बनी है, परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। इसको हम एक टिश्यू पेपर पे ले लेंगे, आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरीके से दूसरी पैटी भी हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और चारों ओर अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। तो दूसरी पैटी भी क्रिस्पी हो गई है, फ्राई हो गई है। अब हम बर्गर बन को सेक लेंगे। तो तवा गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें हम एक टीस्पून बटर लगा लेंगे अच्छे से। बर्गर बन को हमने कट कर लिया है इस तरीके से बीच में से और हल्का सा सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना है, हल्का हल्का सेकना है। तो एक तरफ सीख गया, हम पलट के पीछे भी हल्का सा सेक लेंगे। तो ये हमारा बर्गर बन अच्छे से सीख गया है, अब हम सर्व करते हैं। तो ये हमने सेका हुआ बर्गर बन एक प्लेट में ले लिया है, ऊपर वाला पार्ट अभी हम साइड में रख देंगे। और सबसे पहले हम मेयोनीज लगा लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर हम लेटस का एक पत्ता रखेंगे। अगर आपके पास लेटस अवेलेबल ना हो तो आप पत्ता गोभी भी ले सकते हो। और इसके ऊपर हम वेजी पैटी रख देंगे। आप देख सकते हो वेजी पैटी हमारी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनी है, जैसे बाजार में मिलती है। इसके ऊपर हम पतला कट करके प्याज और टमाटर और ककड़ी रखेंगे, सब कुछ एकदम पतला पतला कट करेंगे। और यहाँ पर मैंने मेयोनीज में थोड़ा केचप मिक्स किया है, वो जो हम दूसरा बन का ऊपर का पार्ट है उसके ऊपर हम अच्छे से लगा लेंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा मेयोनीज लगाएंगे। आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो ये हमने मेयोनीज लगा लिया है अच्छे से। एक हम चीज़ की स्लाइस रख देंगे। तो ये हमारा वेजी बर्गर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो एकदम बाजार जैसा दिख रहा है, टेस्ट भी एकदम बाजार जैसा आता है। बहुत ही परफेक्ट इसकी वेजी पैटी बनती है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep cooking.